शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। थरूर अपनी इस बात पर आज भी कायम हैं कि देश को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को सुधार की जरूरत है वाली बात पर वे कायम हैं और पार्टी की इच्छा के खिलाफ वे फुल एक्शन मोड में हैं। केरल में मोर्चा संभालते हुए इस दक्षिणी राज्य में उनकी बढ़ती सक्रियता से इस सूबे के नेताओं की सांसें थमी हुई हैं। वे बेहद चौकन्ने हैं। शशि थरूर ने अपने एक वीडियो में साफ कर दिया कि वो पार्टी में रहते हुए अपने बलबूते पर ही कांग्रेस की कायापलट करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी केरल में शायद पार्टी को खुद नहीं जोड़ पा रही है। वहां विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, पार्टी अध्यक्ष के सुधाकरन के बीच तनातनी चल रही है। हाल ही में के सुधाकरन के अपने पद से इस्तीफा देने की चर्चाएं थी। सूत्रों का ये कहना है कि सुधाकरन ने अध्यक्ष पद छोड़ने को लेकर राहुल गांधी को खत लिखा था। माना जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में वो अपनी ही पार्टी खासकर सतीशन के नेतृत्व वाले गुट से गंभीर दबाव में आ गए हैं। केरल में पार्टी के अंदर चल रही इस तनातनी के दौरान ही शशि थरूर उत्तरी केरल में अपने 4 दिन का दौरा उन्होंने शुरू किया। इसे थरूर के सूबे में अपने पांव मजबूत कर अपना जलवा कायम करने के तौर पर देखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शशि थरूर खेमा उनसे नाखुश है। इस नाखुशी की वजह थरूर खेमे को संचालन समिति में शामिल नहीं किया जाना है। इस वक्त इस खेमे ने एतराज जताते हुए कहा था कि अगर नए अध्यक्ष खड़गे को सभी को साथ लेकर चलने की मंशा होती तो थरूर के नजदीकी कुछ नेता तो इस नए संचालन समिति का हिस्सा बनते। शशि थरूर के दौरे पर सूबे के कांग्रेसी नेता नजरें गड़ाए बैठे हैं। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस की केरल इकाई में बेचैनी बढ़ रही है। केरल में कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी भूमिका हासिल करने थरूर के कदम पार्टी की राज्य इकाई में समीकरण बदलने की संभावना है, खासकर उच्च जाति के हिंदू नायर खेमे में, जिसमें अभी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन का वर्चस्व है। थरूर की एंट्री से सूबे में कांग्रेस पार्टी के नायर खेमे में भी फूट पड़ने की संभावना है। कोझिकोड से कांग्रेस सांसद एम के राघवन और यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष एएस सबरीनाथन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हार के बावजूद थरूर का समर्थन किया है। कांग्रेस में नायर खेमे के संकट को बढ़ाते हुए शशि थरूर को नायर सर्वे सोसाइटी के संस्थापक मन्नथु पद्मनाभन की वार्षिक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया। थरूर उत्तर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्य आधार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। IUML के करीब आने के थरूर के कदम का पार्टी पर भी असर होगा। IUML ऐसे वक्त में थरूर के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन अपने बार बार RSS समर्थक बयानों को लेकर बैकफुट पर हैं। सुधाकरन के RSS समर्थक रुख को ध्यान में रखते हुए IUML ने कांग्रेस को एक संदेश भेजा कि वो पार्टी के शीर्ष पर एक विश्वसनीय धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व देखना चाहती है।